सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लर्न विद विपुल को और बेल आइकॉन दबाएं हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, लर्न विद विपुल में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे रिटेल बैंकिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जो बुक में भी कवर नहीं किया गया है, जैसे कि भीम ऐप हो गया, बहुत सारे ऐसे योजनाएं हैं, नए स्कीम्स हैं जिनको अभी भी अपडेटेड फॉर्म में बुक में प्रेजेंट नहीं किया गया है। उन सारे टॉपिक्स को हम लोग वीडियो के फॉर्म में चेक योर प्रोग्रेस पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री के फॉर्म में आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं रिटेल बैंकिंग सीआईबी चेक योर प्रोग्रेस पार्ट वन। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ भीम इन भीम ऐप। भीम ऐप के बारे में आप सभी अच्छे से जानते हैं, इसमें भीम का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, BHIM। ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है भारत इंटरफेस फॉर मनी, सेकेंड ऑप्शन है भारत इंटरफेस फॉर मोबिलिटी, थर्ड वन इज भारत इंटरफेस फॉर मोबाइल एंड फोर्थ वन इज भारत हाई इंटरफेस फॉर मनी। चलिए सही आंसर देखते हैं इसका। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत इंटरफेस फॉर मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीम ऐप इज डेवलप्ड बाय, ऑप्शंस आर ए नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, डी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सही आंसर देखते हैं इसका। इसका सही आंसर है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। देखिए ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी में माइनर सा डिफरेंस है, एक में पेमेंट है दूसरे में पेमेंट्स है, तो एग्जाम में ऐसे ऑप्शंस दिए जा सकते हैं जिससे आप कंफ्यूज हो जाएं। तो ध्यान रखिएगा सही आंसर है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। व्हाट इज यूपीआई, यहां पर आपसे पूछा जा रहा है यूपीआई का फुल फॉर्म, और ये आपको पता होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है ये आपके लिए। यूनिकोड पेमेंट इंटरफेस, बी यूनिकोडेड पेमेंट इंटरफेस, सी यूनिफॉर्म पेमेंट इंटरफेस, डी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स इन रेस्पेक्ट ऑफ भीम ऐप। भीम ऐप से संबंधित कुछ इंफॉर्मेशन यहां दिया गया है, आपको बताना है कौन सा गलत इंफॉर्मेशन यहां दिया गया है। पहला है, currently the fund transfer limit has been set to a maximum of rupees 20,000 per transaction and a maximum of rupees 40,000 in a day. Second hai, it was initially released on 26 January 2016. C, at present there is no charge for transactions from rupees 1 to rupees 1 lakh. D, some bank might levy a nominal charge as UPI or IMPS transfer fee. पहला ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है कि एक फंड ट्रांसफर लिमिट रखा गया है मैक्सिमम 20,000 हर ट्रांजैक्शन के लिए और एक दिन में मैक्सिमम 40,000। दूसरा ऑप्शन बोला जा रहा है जो भीम ऐप है इसको इनिशियली रिलीज किया गया था 26 जनवरी 2016 को। सी ऑप्शन आपसे बोल रहा है अभी फिलहाल कोई भी चार्ज नहीं रखा गया है एक रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए तक के ट्रांजेक्शन के लिए। और डी बोल रहा है आपको ऑप्शन, कुछ बैंक नॉमिनल चार्ज कर सकते हैं, नॉमिनल फी चार्ज कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी, जो बी स्टेटमेंट है ये गलत दिया हुआ है। इनिशियली इसको रिलीज किया गया था 30 दिसंबर 2016 यानी 30th दिसंबर 2016 को ये फर्स्ट टाइम रिलीज किया गया था। बाकी सारे इंफॉर्मेशन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ भीम ऐप। भीम ऐप से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कौन सा इंफॉर्मेशन सही है। ए, भीम अलाउज यूजर्स टू चेक द करेंट बैलेंस इन देयर बैंक अकाउंट्स। बी, भीम डज नॉट अलाउ यूजर्स टू चेक द करेंट बैलेंस इन देयर बैंक अकाउंट्स। सी, यूजर्स कैन नॉट क्रिएट देयर ओन क्यूआर कोड। डी, यूजर कैन डू मोबाइल रिचार्ज इन भीम ऐप लाइक पेटीएम एंड मोबीक्विक। देखिए यहां पे आपको बताना है कौन सा इसमें सही है, तो इसका सही आंसर पहले देख लेते हैं। सही आंसर है ए, भीम ऐप आपको अलाउ करता है, अगर आपने अपने बैंक अकाउंट को लिंक करके रखा है भीम ऐप से तो आप वहां पे बैलेंस भी देख सकते हैं। बाकी उसके बाद जो भी दिया हुआ है वो सारा गलत दिया हुआ है। जैसे भीम ऐप में आप क्यूआर कोड क्रिएट कर सकते हैं, यहां पे दिया हुआ आप नहीं कर सकते इसलिए गलत है। उसके बाद भीम ऐप से आप मोबाइल रिचार्ज नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये फंड ट्रांसफर के लिए ऐप है, ना कि ये पेटीएम और मोबीक्विक के जैसे आप यहां से मोबाइल रिचार्ज या डीटीएच रिचार्ज नहीं कर सकते हैं, जबकि यहां पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है आप कर सकते हैं, इसलिए ये गलत हो जाएगा। यूजर कैन नॉट डू मोबाइल रिचार्ज इन भीम ऐप लाइक पेटीएम एंड मोबीक्विक। सही है,
तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन था जो भीम ऐप से रिलेटेड था, जो शायद आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाए, इसलिए इसको अच्छे से देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लर्न विद विपुल को और बेल आइकॉन दबाएं हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।